जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। अगर कोई आपके पैसे नहीं लौटा रहा है या पैसे लेकर भाग गया है तो बस इस प्रयोग को करें। आइए जान लेते हैं इस प्रयोग के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय, अगर आपके पैसे लेकर कोई भाग गया है या आपके साथ धोखा करके भाग गया है। काफी लोग ऐसा सोचते हैं या पूछते हैं कि अगर वो व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटा रहा है तो वो ये क्या करें। आप ये उपाय कर सकते हैं। काफी लोग धोखे से पैसे लेकर आपके भाग जाते हैं, तो ऐसे में आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके पैसे लेकर भागा है, ना तो उसका भला होने वाला है और ना ही उस पैसे से वो फायदा उठा सकता है। धोखे से लिया हुआ पैसा या चोरी से लिया हुआ पैसा किसी के काम आ ही नहीं सकता है, वो हमेशा फिजूल खर्च ही होता है और परेशानियों में खर्च होता है। तो सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप परेशान होते हैं तो आपके दिमाग पर असर पड़ने लगता है, आप गलत सोचने लगते हैं। जो भी आप गलत सोचते हैं वो आपके दिमाग में जाकर रहता है, जिससे परेशानियां और बढ़ने लगती है। तो आपको अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहिए, जो हो चुका है उसे भूल जाना चाहिए। अगर लगातार आप उसी चीज के लिए सोचते रहेंगे तो आपके जीवन में जो अच्छा आने वाला है वो नहीं आ पाता है। हमेशा आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसे तुरंत ही भूल जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई दुश्मन होता है जो आपके सामने आपके बारे में कोई गलत बोलता है, या कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोलता है, तो आपको उस चीज को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत ही भूल जाना चाहिए। अगर आप उस चीज को सोचते रहते हैं तो वो सच्चाई में बदलने लगता है। जितनी ज्यादा गंभीरता से उस चीज के बारे में सोचेंगे उतना ही आपका खुद का नुकसान होने लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गलत बोलता है या आपके साथ गलत बोलता है तो या आपके साथ गलत करता है तो आपको तुरंत भूल जाना चाहिए। गलत चीजों को और गलत बातों को जितना आप अपने गले से लगाएंगे वो उतना ही आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपको इन आदतों से बचना चाहिए और अपनी सोच को भी सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो आपकी जिंदगी में जरूर आती हैं। अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपकी जिंदगी में अच्छा होगा कैसे? अगर आप गलत सोचेंगे तो गलत ही होता रहेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा है, अगर आपके कोई पैसे लेकर भाग गया है तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको कपूर लेनी है और कोई भी लोहे की छोटी डिब्बी आप ले सकते हैं, जिसमें ये कपूर जलाएंगे और कपूर से आपको काजल बनाना है काले रंग का। जब भी आप कपूर जलाते हैं तो वो काले रंग का कालिक छोड़ता है। इस कार्बन को आपको इकट्ठा करके काजल बनाना है, इतना बनाना है कि जिससे आप उस व्यक्ति का नाम लिख सकें। जिस भी व्यक्ति को आपने अपना पैसा दिया है या फिर जो व्यक्ति आपके साथ धोखा करके भागा है उसका नाम लिखना है उस काजल से। याद रखें कि आपको कपूर से बनाना है उस काजल को और उस व्यक्ति का नाम आपको भोजपत्र पर लिखना है। व्यक्ति का नाम उस काजल से भोजपत्र पर लिखकर आपको 7 बार अपने सीधे हाथ से उस भोजपत्र पर, जहां पर उसका नाम लिखा हुआ है, वहां पर 7 बार मारना है और बोलना है, नाम बोलकर कि ये व्यक्ति मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, ये तुरंत ही मेरे पैसे वापस कर दे। ऐसा कहकर आपको उस भोजपत्र को ऐसी सुनसान जगह पर रखना है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। रखकर उस भोजपत्र को वहाँ रखकर कोई भारी सामान या भारी पत्थर उसके ऊपर रख देना है और चुपचाप अपने घर आ जाना है। याद रखें, पीछे मुड़कर ना देखें। बहुत ज्यादा भारी पत्थर रखें, और एक से ज्यादा भी रख सकते हैं आप। जितना ज्यादा भारी पत्थर आप उसके ऊपर रखेंगे उतना ही ज्यादा दबाव उस व्यक्ति पर पड़ने लगेगा और वो महसूस करने लगेगा। अगर आपके पास उस व्यक्ति की कोई चीज भी है, जैसे कोई कपड़ा होता है या कोई भी चीज उसके इस्तेमाल की हुई है, तो आपको वो चीज भी उस भोजपत्र के साथ रखनी है और उसी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पत्थर आपको रख देना है। इतना करना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर दबाव बढ़ने लगता है और आपका डूबा हुआ धन भी आपको वापस मिल जाता है। जो भी व्यक्ति आपके पैसे लेकर भागा है वो तुरंत ही आपके पैसे लौटा देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।